में से किस मशहूर मुसन्निफ ने किताब द ब्लैक रोज नहीं लिखी? इट्स टेनर नैरेटिव ड्यू, जी माइकल हॉफ या थॉमस बी कॉस्टेन? ऑलराइट, टाइम अप, हाथ जोड़ लीजिए। ये सवाल हमें पावर किया है डॉक्टर क्लैटरबल्स ने, थैंक यू वेरी मच। और बात करें इनमें से कौन सी किताब है जो इनमें से किसी एक मुसन्निफ ने नहीं लिखी। वेल, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं इस तरह से कि ये जो किताब है बेसिकली ये सेम टाइटल के नाम पर दो मुसन्निफ ऐसे हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, द ब्लैक रोज। बट टाइटल सेम है लेकिन स्टोरीज डिफरेंट है, राइटर भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपसे पूछा गया है ये किताब इनमें से किसने नहीं लिखी, तो एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसने ये किताब नहीं लिखी, बाकी दोनों ने ये किताब लिखी है लेकिन अपने अपने अंदाज में, टाइटल सेम है बट बुक्स और उनके अंदर जो स्टोरीज और जो डिटेल्स हैं ऑफकोर्स वो डिफरेंट है और राइटर भी ऑफकोर्स डिफरेंट है, ठीक है। सो अब देखना यह है कि यहां पर कितने लोग सही ऑप्शन को खेल पाते हैं। हाँ, ऐसे पॉइंट पर आप 50-50 का पावर अप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है तो 50-50 का पावर अप भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर ही आपने डिसीजन लेना है कि आप इसको यूज करेंगे या नहीं। अगर आपने 50-50 यूज किया तो एक गलत ऑप्शन स्किप हो जाता है, दो ऑप्शन रह जाते हैं, तो किसी एक ऑप्शन पर चांस लेना काफी आसान होता है। तो तुक्का लगाइए, लेट्स फाइंड आउट कितने लोगों ने तुक्का मारा है। सवाल नंबर 7 के राइट ऑप्शन की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों का तुक्का सही है। ऑलराइट, एंड डिटेल्स काइंडली मुझे बता दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा इधर भी देखिए, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, माइकल हॉफ है जनाब जिन्होंने ये किताब नहीं लिखी। 1828 लोगों ने सही ऑप्शन को खेला है और तकरीबन 3500।